बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे जनपद के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री की वितरित। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। सवायजपुर और बिलग्राम तहसील क्षेत्र में गंगा और रामगंगा नदी के किनारे बसे 20 से ज्यादा गाँव है बाढ़ से प्रभावित। कई गाँवों में घुसा बाढ़ का पानी। लगातार हो रहा कटान। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की कवायद तेज। 105 गाँवों को रेड जोन में किया गया घोषित। ये बिलग्राम तहसील का ये इलाका जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र सदैव से रहा है। जी सर, यहाँ बाढ़ प्राय आती रहती है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार से की गई है। हमारे साथ आदरणीय जिलाधिकारी हैं, कप्तान साहब भी हैं और बाकी सभी प्रशासन सीएमओ साहब भी हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी हैं, पूरी तरीके से सब लोग मुस्तैद हैं। सभी हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से एक राहत सामग्री का किट जो है, जिसमें आटा भी है, चावल है, नमक है, बिस्कुट हैं और बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती, वो सभी उसमें रखी गई। साथ ही साथ उसको आवश्यकता अगर पड़े, घर अगर गिर जाए तो तिरपाल की भी देने की व्यवस्था है। और इनको साथ ही साथ हम लोग पका हुआ राशन भी और भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं और आलू और बाकी सब्जियों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जो दवाइयों की व्यवस्था है वो भी पैरेलल आप देख रहे हैं, जगह जगह यहाँ पर हेल्थ कैंप्स लगे हुए हैं। जहाँ पर किसी को बुखार आ रहा है या खुजली हो रही है, किसी को एलर्जी हो गई है या गंदा पानी पीने से किसी को उल्टी दस्त हो रहे हैं, पेट खराब हो गया है, उसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह मेडिकल हेल्थ कैंप्स भी लगे हुए हैं, राहत सामग्री का वितरण भी कराया जा रहा है और हर तरीके से जो भी सहायता हो सकती, पशु चिकित्सकों को भी लगाया गया, जानवरों को कोई दिक्कत हो तो उनको भी इलाज कराया जा सकता है। तो जो दिक्कतें हो सकती हैं जिस प्रकार से, वो सब दूर करने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।